आज हम बनाएंगे तीन ऐसी आइसक्रीम पॉप्सिकल्स जो कि बहुत इजी है, टेस्टी और हेल्दी तो है ही और साथ में शुगर फ्री है, ताकि आप भी इस गर्मियों में ऐसे ही रिफ्रेशिंग और होममेड पॉप्सिकल्स एंजॉय कर सके। पहले हम बनाते हैं वाटरमेलन और कीवी पॉप्सिकल। यहाँ पे हमने एक वाटरमेलन लिया है और पहले हम इसे कट करेंगे। अब इसमें से जितने हो सके उतने बीज निकाल दे। इस वाटरमेलन में बहुत ज्यादा बीज नहीं है तो जितने हैं उतने हम निकाल देंगे और इसे हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने करीब 2 कप जितना वाटरमेलन कट किया है और इसे हम डालेंगे एक ब्लेंडिंग जार में। अब इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 टेबलस्पून हनी यानी कि मध और 1/2 कप जितना पानी डालेंगे। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये हमारा वाटरमेलन जूस तैयार है, तो इसे हम पॉप्सिकल्स के मोल्ड में डालेंगे। इसे पूरा ऊपर तक फिल नहीं करेंगे, 3/4 तक फिल करेंगे और थोड़ी सी जगह बचा लेंगे। अब हम लेंगे 2 से 3 कीवी। कीवी को हमने हाफ में कट कर लिया है और अब हम इसे स्पून से इस तरीके से निकालेंगे। कीवी का छिलका निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। अब इस कीवी को हम एक जिपलॉक बैग में डालेंगे और किसी बेलन से इसे इस तरीके से क्रश करेंगे। वैसे तो आप इसे मिक्सर जार में भी ब्लेंड कर सकते हैं, पर उससे क्या होता है, इसके बीज है वो भी क्रश हो जाते हैं और इस तरह करने से इसके बीज है वो क्रश नहीं होते, पर आप चाहे तो इसे मिक्सर जार में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कीवी का पल्प तैयार है। तो इसे हम स्पून से धीरे से वाटरमेलन के ऊपर रखेंगे। तो ध्यान रहे, ये प्रोसेस आपको हल्के हाथ से करना है। इसे पूरा ऊपर तक फिल कर देंगे और इसके स्टिक्स लगा देंगे। अब हम बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत सनराइज पॉप्सिकल। यहाँ पे हमने 2 ऑरेंजेस लिए हैं और इसका हम जूस निकाल लेंगे। वैसे आप चाहे तो रेडीमेड पैकेट ऑरेंज जूस भी यूज कर सकते हैं। ये ऑरेंजेस नेचुरली स्वीट है तो इसलिए हम इसमें कोई भी स्वीटनर नहीं डाल रहे हैं, पर अगर आपके ऑरेंजेस स्वीट ना हो तो आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून हनी डाल सकते हैं। अब इस ऑरेंज जूस को हम पॉप्सिकल के मोल्ड में डाल देंगे। इसे हम आधा ही फिल करेंगे। अब एक ब्लेंडिंग जार में हम 1/2 कप स्ट्रॉबेरी लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून हनी डालें और 1/4 कप जितना पानी डालें। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इस स्ट्रॉबेरी जूस को हम हल्के हाथ से चम्मच से ऑरेंज जूस के ऊपर डालेंगे। ध्यान रहे, इसे आप बहुत ही हल्के हाथ से और चम्मच से ही डालें। इसे ऊपर तक फिल कर देंगे और स्टिक लगा देंगे। अब हम बनाते हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग क्यूकम्बर लेमनेड पॉप्सिकल। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार में 1/2 कप खीरा और मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते डालेंगे। अब इन दोनों को ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे, 1 पूरे नींबू का रस, 2 टेबलस्पून हनी और 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। वापस से एक बार ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। और अब पॉप्सिकल मोल्ड में हम 2 स्लाइस कुकम्बर की डालेंगे और इस लेमनेड को हम पॉप्सिकल मोल्ड में फिल कर देंगे। ऊपर से स्टिक लगा देंगे। इसे अब हम फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। फ्रीज हो जाने के बाद अब इसे निकालने के लिए हम इसे 15 से 20 सेकेंड तक पानी में रखेंगे और ये आसानी से मोल्ड से निकल आएगा। ये हमारी बहुत ही रिफ्रेशिंग और कलरफुल पॉप्सिकल्स तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और गर्मियों की सीजन में घर पे बनी हुई ठंडी ठंडी पॉप्सिकल्स एंजॉय कीजिए।